अस्सलामुअलैकुम तमाम मेरे शकीन भाइयों, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? पिंजरा मेकर मलक अफजल, अज तुम दसांगा सुचे मोती मारने का तरीकेकार, उस तो बाद तित्तर नू लाण का तरीकेकार। ठीक हो गया दोस्तों? सबसे पहला तुसी लेना जी अपना गंडा, गंडे दे सुराख कढ़ के उन्दे विच सुचे मोती पा देने। सुचे मोती उहदे विच पा के समला पाथियां दे विच पका लेने। पाथी समझदे? गुड़ियां जिहड़ी पाथी चुल्हे दे विच रख के उहनूं पका लेने। गंडे दे उत्ते चंगी तरह आटा ला लेना। ठीक हो गया? 8-10 पाथियां दे विच रख देना पेड़ा बना के। जदों पक जाए उस तों बाद देखो मैं कढ़ के रखे ने आ गंडे दे विच तुहाडे सामने कढ़े ने आ सुचे मोती ने। उस तों बाद फिर तुसीं इहनूं कुछ इहदे विच करके इहनूं बिल्कुल इहदा पाउडर बना लेना। आ देखदे पिया, इहनूं हल्का हल्का इहनूं पाउडर बना लेना। उस तो बाद फिर तुसी लेना अरके गुलाब। अरके गुलाब ये पाई जाना तो इनू रगड़ी जाना। कम से कम अरके गुलाब दे इहदे विच 2.5 to 3 ढक्कण तुसी इहदे विच मिक्स करने ने। इनू हल्का हल्का अरके गुलाब दे विच पाया करोगे, रगड़ोगे, पाया करोगे, रगड़ोगे, ये खुश्क हुंदा रहेगा। इनू तुसी कम से कम एक दिन दे विच 1-1.5 घंटा रगड़ना। उस तो बाद फिर तुसी दूसरे दिन फिर रगड़ना। इनू 4 घंटे इनू समलैना तुसी इनू इहदा रगड़िया करना डेली। एक दिन दे विच 1.5 घंटा 1.5 घंटा जिन्ना तुहानू टाइम बचे। इस तरह इहदा बिल्कुल तुसी इहदे विच समलै 3 ढक्कण अरके गुलाब दे खुश विच पा लेने। अरके गुलाब दा फायदा की हुंदा जी? परिंदे दा तित्तर दा पोटा नहीं रुकण देगी। अरके गुलाब जिहड़ा हुंदा ना, इह पोटा नहीं रुकण देंदा। इहदे नाल परिंदे दी तो सैटिंग ठीक रहेगी। पोटा रुकिया नहीं तो परिंदा उत्ते थले होया नहीं। आ देखते बे अरके गुलाब इस तरह तुसी इहनू पा के मिक्स करते रहना, मिक्स करते रहना तो रगड़ा देंदे रहना। इहने सुचे मोती लाण दा तरीकेकार। पहला मारने दा तरीकेकार इंशाल्लाह ते आ तुहानू दस्सिया ने, ते हुण इहदे च हुण तुहानू दस्सांगे इह लाणा किस तरह ने। ते जिहड़ा दोस्त मेरे चैनल ते नवा है उह मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो। इंशाल्लाह मैं मज़ीद दी वीडियो बनाता रहांगा। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तो अच्छे पावरफुल पावरफुल नुस्खे ने मेरे पास, जो तो मैं दोस्तों को दसांगा। मेरा साथ मेरे को आया बैठा ने तो वो मेरे अपने खुद मेरे अपने हाथों के मैं कहना तू पुत मार तो बना। इंशाल्लाह असी जुम्मे वाले दिन तित्तर नूं लाना भी है ने, जिहड़ा अगे मेरा तित्तर 260 आवाज़ा मार के सैकन लग्या तो इसी ही खुराक ते लग्या। तो अगे मेरे को है उस्ताद ने भेजा सी, उस्ताद ने खुद बनाने का तरीकेकार बैठे ने कोल, कहिंदे तुसीं आप बनाओ तो असं बना रहे हैं। इंशाल्लाह तुहानू भी बनाने वास्ते इस वास्ते तुहानू वीडियो बनाई गई। चलो दोस्तों नूं दिखाया जाए। दोस्तों इहनू लाणा किस तरह देखदे पे, इस तरह रगड़ी जाना खुश करी जाना, रगड़ी जाना खुश करी जाना। इहनू जितना तुसी रगड़ोगे उन्ना ही अच्छा इहदा रिजल्ट निकलेगा। तुसी लाणा किस तरह जी? इहनू लाण दा तरीका घर इह जी, तुसी एक कख दे बराबर आटे दी रोड़ी दे विच रख लेना। एक कख दे बराबर आटे दी रोड़ी दे विच लाणा तुसी सिर्फ इनू पेड़ दे उत्ते ने तित्तर रखन लगे ठीक 10-15 मिनट पहला और रोड़ी एक तित्तर नू खिला देनी है। इंशाल्लाह शाम नू उस परिंदे दा रल्ड देखना ते परिंदे दी बुलाई देखनी। मेन मकसद ये सुचे मोती परिंदे नू भुख नहीं लगन देणगे ते परिंदे दे अंदर थकावट नहीं होएगी। परिंदे दे अंदर जोड़ां नू जे वो कोई मसला नहीं होएगा, जिवें रखिया उवें ही परिंदा रहेगा। अगला वीडियो तुहानू दस्सांगे इहदा तोड़ करने दा तरीकेकार। जिहड़ा दोस्त मेरे चैनल ते नवा मेरे चैनल सबसक्राइब करे, इंशाल्लाह बैल दा बटन पाए, मज़ीद दी वीडियो इहदे वास्ते अगला तोड़ करने दा तरीकेकार बनाया जाएगा। आन सुचे मोती बना समला मारने दा ते लाण दा तरीकेकार। जिस दोस्त नूं वीडियो पसंद आवे कमेंट दे विच दसना जरूर। इंशाल्लाह बहुत ही पावरफुल नुस्खा एक बार अजमाओ फिर मैनूं दसना मलक अफजल बिंजरा मेरे को इंशाल्लाह कैसा नुस्खा तुहानूं दित्ता। इंशाल्लाह कोई भी उस्ताद इस तरह की गोली बनाने का तरीकेकार तुहानूं कोई नहीं दसेगा। तो इंशाल्लाह मैं जरूर तुहानू हर दोस्तों नूं इह गोली बनाने का तरीके कर दसांगा। इह कहा जांदा तित्तर दी पेड़ वाली गोली। कई असी इहनू रात नूं दित्ता जांदा ते तुहानू रात दा भी इहदा तरीका दस्सिया जाएगा अगली वीडियो दे विच। रात नूं देण दा तरीकेकार की ने, इह तुहानू दिन दा तरीकेकार दस दी ते इक कख दे बराबर रात आटे दे विच रख के ते तुहानू चक्री तों 10-15 मिनट पहलां ला देना। उस तों बाद इहदी फिर अपनी परिंदे दी बुलाई देखणी, परिंदे दी चल देखणी। इंशाल्लाह परिंदा जिथे तुहाडा परिंदा 4-5 करदा ना तो उत्थे 2-3 वादों का फर्क जरूर पाएगा। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज़। मलक अफजल पिंजरा मेकर। खुदा हाफिज़ सारे मेरे भाइयों।